खास तौर पे हमारे जो यंग एज टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, वो इस खास तौर पे भी जो एग्जाम सेशन चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्स का जो है स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से भी। तो प्रोटीन का इस्तेमाल और अच्छे फैट्स का इस्तेमाल करना है आप। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 टिप्स, आपने उन 8 टिप्स को फॉलो करना है। सर्दियों में आप सबकी तरफ से एक ही सवाल जो मेरे पास आ रहा है कि क्या करें कि सर्दियों में भूख कंट्रोल नहीं होती है। यकीनन मौसम सरमा, टेम्परेचर का गिरना यकीनन हंगर क्रेविंग्स को बढ़ा देता है हर इंसान के लिए, नॉर्मल हो डायबिटिक हो। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा वरी हो जाते हैं क्योंकि जाहिर है वो बार बार क्या खाएं और फिर जाहिर है ओवर ईटिंग ओवर वेट की तरफ जाती है, कैलोरीज इनटेक ज्यादा हो जाती है। तो हंगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए आज जो टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसको जरूर देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। मुझे जरूर कमेंट बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी सर्दी में हंगर क्रेविंग्स होती है, तो आप लोग क्या खाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि सर्दी का मौसम आए, टेम्परेचर का गिरना हो और भूख का बढ़ना हो। तो यकीनन ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना है और ना ही कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना है कि आखिर मुझे इतनी भूख क्यों लगती है और मैं क्या करूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 टिप्स, आपने उन 8 टिप्स को फॉलो करना है और अपनी सर्दी को मजेदार बनाना है और अपनी सर्दी को एंजॉय करना है। यकीनन विंटर का सीजन बहुत सारे लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होता है, तो वहीं बहुत सारे लोगों के लिए सर्दियों का मौसम एक डिप्रेशन का भी बाइस बनता है। इस पे भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो 8 टिप्स जो कि आपको हंगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में अच्छा रोल प्ले करेंगे, इसमें नंबर 1 अपनी डाइट में शामिल करें प्रोटीन्स और गुड फैट्स के आइटम, यानी कि आप जो खाना खाते हैं उसमें आप एग्स ऐड करें, आप मीट खाएं, आप बीन्स का इस्तेमाल करें, आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करें, लाइक उसमें आप ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें खाने से आपकी जो सेंस ऑफ फुलनेस है, क्योंकि वो ज़्यादा आराम आराम से हजम होती है, तो आपको फौरन फौरन भूख नहीं लगती है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल और अच्छे फैट्स का इस्तेमाल करना है आपने, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि आपने रेगुलर मील्स लेने हैं, बैलेंस डाइट के साथ रेगुलर टाइमिंग्स मील्स लेने। हर वक्त जब दिल चाहा खा लिया ऐसा नहीं करें, इससे फिर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। तो प्रॉपर 3 मील्स अ डे एंड 2 स्नैक्स हमेशा से कहती आई हूँ कि बेशक क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन 3 रेगुलर मील्स विद 2 स्नैक्स आर आइडियल। नंबर 3 पे स्नैक्स आपने जो चॉइस करने वो भी हेल्दी स्नैक्स चॉइस करने हैं, जिसमें आप वीट क्रैकर्स ले सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो ग्रीक योगर्ट विथ फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीन्स को एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिक पीस को एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेल्दी स्नैक लेना है ताकि वो आपको बार बार क्रेविंग से बचाता है। नंबर 4 पे है कि पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना है, अपने वाटर इनटेक को अच्छे से अच्छा रखें ताकि आपको भूख का एहसास कम हो और आपकी शुगर्स भी कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं और आपको हंगर क्रेविंग एक तो नेचुरली ज़्यादा हो रही है, दूसरा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शुगर कंट्रोल रहे उसके लिए ना सिर्फ आपने जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, बल्कि नंबर 5 टिप पे आती है कि आपने एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी है, ताकि अगर आप ज़्यादा खा भी लें, कैलोरीज को कंज्यूम कर भी लें, तो कैलोरीज बर्निंग पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसके बाद जो 2 मज़ेदार टिप्स हैं वो यकीनन उनका ताल्लुक जो है वो आपकी हंगर क्रेविंग से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है, कि आपने अपने स्ट्रेस को, खास तौर पे हमारे जो यंग एज टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, वो इस खास तौर पे भी जो एग्जाम सेशन चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्स का जो है स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से भी जो है वो हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं हमारे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनको भी पता है कि रात लेट नाइट पढ़ने से जो मिड नाइट हंगर क्रेविंग्स होती हैं, तो आपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम रखना है और
हेल्दी स्नैकिंग पे तवज्जो देनी है इंस्टेड ऑफ कि आप जो दिल चाहा जब दिल चाहा खा लिया, और स्नैक्स में भी प्रोटीन्स और फैट्स को रखना है। इसके बाद आपने अपनी स्लीप को बहुत प्रायोरिटाइज करना है। अच्छी 7 से 8 घंटे की स्लीप आपके हार्मोनल बैलेंस को जो है वो इम्प्रूव करने में बहुत रोल प्ले करती है और हंगर क्रेविंग से आपको बचाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है और आपकी विंटर जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। और डायबिटीज टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जस्ट लॉग इन टू www.diabetestelecare.com और डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम योर प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड करें एंड बुक योर स्लॉट एंड गेट योर कंसल्टेशन विथ मी। तो हम उस पर एक डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं और आपके लिए कस्टमाइज डाइट प्लान दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।